सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग हमारा रीजन चेंज कर सकते हैं एंड कैसे हम लोग हम एक डिफरेंट सिटी में जा सकते हैं। अगर इस सिटी में आपकी रैंकिंग नहीं आ रही तो हम लोग सेकंड सिटी ट्राई कर सकते हैं या सेकंड हम लोग स्टेट ट्राई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इजीली रैंकिंग मिल जाए एंड वहाँ पे हम लोग एक अपनी रैंकिंग का टैग ले सके एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। सो सबसे पहले आपको रीजन में आ जाना है एंड यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग्स पे। एंड जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारी स्टेट्स एंड उनके डिस्ट्रिक्ट्स दिख जाएंगे। सो आप वहाँ से जो भी आपकी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, आप वो चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर चेंज करना है, सो मैं यहाँ पे ग्रुप जैसे कि मेरा गुड़गांव है, सो मैं इसको चेंज करता हूँ, सिर्फ सिंपली हरियाणा करता हूँ मैं इसको। सो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया एंड मेरा चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, अगर हम उस नोट को ध्यान से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक बार चेंज कर देते हैं तो अगली बार आप अपना चेंज 30 दिन के बाद ही कर सकते हैं, मतलब एक महीने के बाद ही आप उसे चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे आपके सिटी के प्लेयर्स दिखाते हैं उनसे आप चैट कर सकते हैं, उन्हें आप अपनी टीम में ले सकते हैं, सो वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा एंड वहाँ से आप अपना ऐड कर सकते हैं किसी को भी। मतलब जब भी आप कोई रीज़न चेंज करेंगे सो वहाँ पे इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। आपके फ्रेंड लिस्ट में जो भी प्लेयर शो होते हैं वो प्लेयर्स तभी की तभी इमीडिएटली चेंज हो जाएंगे एंड वहाँ पे आप इमीडिएटली चैट कर सकते हो। लेकिन जो आप नेक्स्ट टाइम रीज़न चेंज करोगे उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 30 डेज लगेंगे। सो ये थे एक पूरा ओवरव्यू कि हम लोग कैसे अपना रीज़न चेंज कर सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे क्राइटेरिया हैं। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।